दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगे आगे चलते हैं और मुसीबतें उनके पीछे पीछे। उनकी गृह दशा आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है। एक ओर जहां पार्टी के अंदर कलह मची हुई है, वहीं अब दिल्ली हाई कोर्ट ने देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर मानहानि के मामले में उनको नोटिस जारी कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का एक और दीवानी मुकदमा किया है। जेटली ने केजरीवाल से 10 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। डीडीसीए से जुड़े मानहानि के मामले में 17 मई को जिरह के दौरान केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से आहत होकर जेटली ने यह मुकदमा किया है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जेटली ने जेठमलानी द्वारा की गई टिप्पणी को अभद्र करार दिया। जेटली ने कहा कि उनसे किए गए कई सवालों में बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अरुण जेटली की ओर से अधिवक्ता माणिक डोगरा ने बताया कि इसमें अलग मानहानि का मामला दर्ज करने की जरूरत हुई। हालांकि मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से अधिवक्ता अनुपम श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। बता दें कि जेटली ने डीडीसीए के कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में अपना नाम घसीटे जाने पर केजरीवाल और आप नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था। इसमें भी उन्होंने 10 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की थी।